हाय फ्रेंड्स, मेरी चैनल बीएम इन्फो गाइड में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक आप लोगों की डिमांड से मैंने बनाया है कि न्यू कमिटी जब आती है तो ओल्ड कमिटी से कैसे हैंडओवर लेना है, क्या क्या प्रिकॉशन रखना है, क्या डॉक्यूमेंटेशन साइन करना है और कैसे हम ओल्ड कमिटी से न्यू कमिटी हैंडओवर लेती है। दोस्तों, टॉपिक छोटा सा है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंस है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आप सबके व्हाट्सएप ग्रुप होंगे आपके सोसाइटी के, तो जब भी आप वीडियो देखते हैं आपको अच्छा लगे तो आपके सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर से भेजना, क्योंकि उससे लोगों को अवेयरनेस आएगी और ऐसे कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले न्यू कमिटी जब फॉर्म होती है आफ्टर द इलेक्शन या व्हाटसोएवर, तो डिसाइड हो गया है कि ये नई कमिटी है, तो पुरानी कमिटी से क्या क्या हैंडओवर लेना है। तो दोस्तों, लीजिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, हैंडओवर प्रोसेस। सबसे पहले सोसाइटी का ऑडिट हो जाना चाहिए। ऑडिट की जो रिपोर्ट है वो नॉन कंप्लायंस, कोई भी पॉइंट नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो ओल्ड कमिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जस्टिफिकेशन एंड स्टेटस ऑफ वे फॉरवर्ड। तो सबसे पहले ओल्ड कमिटी से नई कमिटी को ऑडिट का रिपोर्ट लेना है। ऑडिट के रिपोर्ट के हिसाब से जो भी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स है, जो भी कंप्लायंस है, जो भी रिकॉर्ड्स है, वो सारा टेक ओवर लेना है और उसको थरो चेक कर देना है, जो एज पर लास्ट ऑडिट के हिसाब से। अगर ऑडिट हो गई है और उसके कुछ महीने या कुछ हो मीन्स मंथ हो चुके हैं, तो प्लीज़ वेरीफाई कीजिए कि ऑडिट के बाद कोई चेंजेस हुए कि नहीं है और वो ओल्ड कमिटी से आपको लेना है। उसके बाद बैंक का स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट लेटेस्ट आपको उससे लेना है, जो बैंक का आपका अकाउंट चल रहा है। उसके बाद जो भी ऑडिट किया हुआ जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट की फाइल थरो आपको 1-to-1 चेक करके आपको हैंडओवर लेनी है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके सोसाइटी के अंदर अगर कंप्यूटर है तो कंप्यूटर के अंदर जो पासवर्ड है वो आप नई कमिटी इमीडिएटली हैंडओवर करने के बाद चेंज कर देना। उसके बाद आपके बैंक में अगर पुराने ओल्ड चेयरमैन, सेक्रेटरी या ट्रेजरर की सिग्नेचर वैलिड है या तो उसको है, तो इमीडिएटली नए कमिटी और चेयरमैन से उसको सिग्नेचर और उसके नाम चेंज करवा दीजिए, जो सहमति से नई कमिटी हुई है। ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बीच में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसमें कोई गलती या तो डिले नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ओल्ड कमिटी जो है वो थरलो एक एक डॉक्यूमेंट चेक करके उसकी लिस्ट बनाएगी और हैंडओवर करते उसको टिक करती रहेगी। जब भी 100% चेक हो जाए, अपडेट हो जाए, उसके बाद नई कमिटी से उसको सिग्नेचर लेनी है कि प्रॉपरली हमने हैंडओवर किया है। नई कमिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो थरो चेक करके जो भी बताया जा रहा है एक बार चेक करें। अगर उनको समझ में नहीं आता है कोई चीज़, तो जो सीए है या तो आपका ऑडिटर है उसको साथ में रख के उसको चेक किया जाए, उसको रिक्वेस्ट किया जाए, जिसकी वजह से आप प्रॉपरली डॉक्यूमेंट हैंडओवर कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट हैंडओवर करने के बाद जब भी आपको इतना होना चाहिए कि कोई भी डॉक्यूमेंट आप प्रॉपरली आप उसको आपके जो सामान है उसके साथ रख दीजिए स्टोरेज का, और उसकी जो की है, आपको लगता है कि जो पहले की कमिटी करप्टेड थी और आपको डाउट है, तो प्लीज़ लॉक या बदल दीजिए, या तो जो आपको जो भी शुभ मुनाफी समझे कि उसके डुप्लीकेट अगर होगी तो कुछ होगा तो वो भी चेंज करवा दीजिए। बहुत सारी चीज़ आपको छोटी है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। कोई कोई बार ऐसा भी हुआ है कि ओल्ड की उनके पास है पता नहीं और बाद में हैंडओवर के बाद कुछ चेंज हो जाता है और उसके बाद नई कमिटी को भुगतना पड़ता है। नई कमेटी को ये भी देखना है कि किस किस का आउटस्टैंडिंग है और उसका कलेक्शन कैसे मीन्स क्यों बाकी है, उसकी रिसिप्ट क्या है, और वो सारी चीज़ हैंडओवर करने के बाद उसको एक्शन लेना है। लास्ट एजीएम में डिसाइड किया हुआ जो भी चीज़ है वो अभी कौन से स्टेज पे पड़ा है वो भी चेक करके उसको अपडेट लेना है। जो भी कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू, लीगल कंप्लायंस, तो लास्ट लीगल कंप्लायंस में क्या क्या अपडेट हुआ है, क्या क्या पॉइंट्स आए थे, कोई क्यूरी आई थी तो रिजॉल्व हो चुका कि नहीं है, वो सारा हैंडओवर लेने के बाद उसको प्रॉपर वे पे आपको काम करना पड़ेगा। क्योंकि नई कमिटी के बाद बहुत सारी चैलेंजेस आती है, कई बार
ऐसी कमिटी आप जब हैंडओवर करते हो जहाँ पे करप्टेड कमिटी ओल्ड कमिटी थी और नई कमिटी उसको हैंडल नहीं, जो नॉर्मल सिनारियो है जो 5 साल के बाद नई कमिटी बनती है विदाउट एनी कोई प्रॉब्लम, तो वो कमिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती हो। और कई बार मैंने देखा है कि नई कमिटी में पुराने कमिटी से 2-3 सदस्य रहते हैं जिसलिए वो कॉपरेशन करें और उसको आगे बढ़ाएं। या तो कई बार ऐसा भी होता है कि नई कमिटी जो पुराने कमिटी में जो मेंबर्स है उसको अपग्रेड करके अभी चेयरमैन सेक्रेटरी बनाया जाए तो उनको थरो नॉलेज भी रहता है, तो वहाँ पर आपको कोई चैलेंज नहीं आएगी। लेकिन जहाँ पर ऐसी कमेटी है कि जहाँ आपको निकाला जाता है या तो करप्टेड कमेटी है उसको न्यू चेंज ओवर करके करता है, यहाँ पे आए सारी प्रॉब्लम आ सकती है। दोस्तों जो ये चीज़ या तो थिंग्स बहुत छोटी है लेकिन इम्पोर्टेंट रखना बहुत ही ज़रूरी है, और उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपर जगह पे स्टोर करके रखना वो भी ज़रूरी है। दोस्तों ये प्रोसेस के बाद जब आप नई कमेटी चालू करते हैं तो मेक श्योर कि पुरानी कमेटी में जो गलती किया है वो आप रिपीट न करें जिसकी वजह से जो कमेटी चेंज हुई है, और होप कि ये आपकी प्रोसेस या तो आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट्स है कंसर्न तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।